राधे राधे, आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज की बड़ी खबरों में चर्चा होगी आरओ परीक्षा की प्रस्तावित तिथि, वहीं यूपी ट्रिपल एसएससी से काफ़ी कुछ अपडेट उसके बारे में बात होगी, और वहीं टीजीटी परीक्षा को लेकर के नए आयोग गठन की प्रक्रिया कब तक, और कुछ आवेदन की तिथि उत्तर प्रदेश लोक सेवा के द्वारा पढ़ाई गई है, और एएसओ रिजल्ट पर संघ का इसकी भी चर्चा को जो आप लोगों की क्वेरीज और रियल्टी ग्रेड विज्ञप्ति की, इन तमाम तरह की बड़ी खबरों को आज देखेंगे जो टीचर्स में दिख रहे हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सकें। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि जब भी वीडियो लेटेस्ट अपडेट की पड़ेगी उसका नोटिफिकेशन देखने को आपको सबसे पहले मिलेगा। यदि जिंदगी में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ आगे बढ़ने की सोचते हैं तो कुछ बिंदुओं को लेकर चलना जरूरी होता है। चाणक्य कहा करते हैं कि यदि कोई काम शुरू करें तो सबसे पहले स्वयं से तीन प्रश्न करना चाहिए, और उन तीन प्रश्नों में पहला होना चाहिए क्यों, यानी कि वाई क्यों कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या हो सकता है और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोच लें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि संतोषजनक मिल जाएँ तो फिर आगे बढ़ चलिए, और इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देख कर थक जाए, और जिसने खुद को खर्च किया है ना, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। चलिए देख लेते हैं आज की खबरें। ये खबर जो है प्रमुख रूप से समाचार पत्र में, बेरोजगारी 6 वर्ष के निचले स्तर पर जो है, यहाँ पे बात हो रही कौशल दीक्षा समारोह में। प्रधानमंत्री ने कहा गांव और शहरों को बराबर दिया गया विकास का लाभ। कहाँ तक विकास का लाभ है इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सरकारें कोशिश करती रहती हैं लेकिन वो निचले स्तर तक आने में कितना तेज़ी से है, ये सारी चीज़ें जो अभी भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है। तो यही जो है पीएम ये भी बोले कि आज पूरी दुनिया मान रही है कि ये सदी भारत की सदी होने वाली है, और इसके पीछे बड़ी वजह है कि भारत की जीवा आबादी, आने वाला जो चुनाव है उसमें युवाओं को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर अपने मतों का प्रयोग भी करना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर, शासन ने चयन बोर्ड से तलब की कोर्ट की अनला रिपोर्ट। बात हो रही है टीजीटी में जो फर्जी नियुक्ति, 7 के समायोजन पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो शासन ने विजिलेंस जांच शुरू करा सकता है। चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन को अवगत करा दिया है कि चयन और समायोजन फर्जी ढंग से किया गया, न तो चयन बोर्ड ने आरोपितों के पैनल आवंटित किए हैं और न ही समायोजन सूची जारी की गई। तो इस धांधली को लेकर के जो जल्द ही जो गठन होने के आसार है, विजिलेंस टीम जो कि जाँच करेगी इस फर्जी वाड़े की। अगली खबर जो है, अगली खबर के अंतर्गत जीआईसी में नई भर्ती वेटिंग लिस्ट के चयनितों की मांगी गई नियुक्ति। ये प्रक्रिया जो प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगातार जारी रहती है, और इसको लेकर के जो है लोक सेवा आयोग शिक्षा निदेशालय पर अक्सर अभ्यर्थी पहुंचते और अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन वही है कि बस वही जवाब मिलते हैं जो बदस्तु जवाब मिलते रहे हैं। लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी एक ना एक दिन जरूर मिलती है। तो 2016 में 2021 की प्रतिष्ठित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष दूसरी काउंसलिंग के लिए शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक प्रमोद कुमार से मिलने की बात रखी गई है, और वहीं ईडी को संबोधित जो है ज्ञापन सौंपा गया है कि यहाँ पे जो है बताया गया है कि एलटी प्रवक्ता जीआईसी तहत खंड शिक्षा अधिकारी का अर्हता विवाद का निपटारा हो चुका है और अंतिम रूप से काउंटर अनुमोदन के लिए भेजा गया है, तो अनुमति मिलते ही एक सप्ताह के अंदर। तो यहाँ पे बात की गई कि तीन पदों का जो विज्ञापन है, तीनों पदों का ये जारी किया, जिसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता और बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, जिसके बारे में पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया गया कि नवंबर के लास्ट तक जो है संक्षिप्त विज्ञप्ति 120 से 30 पदों की ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा से आ सकती है। उसी के संदर्भ में एलटी और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया की जो आप लोगों की क्वेरी जाती, इसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आयोग और शासन के स्तर के जो वार्तालाप होते हैं उसको कई बार बताया जाए तो एक ही शब्द वही घिसे पिटे रहते हैं अनुमति मिलने की। हाँ, ये है कि उस मुख्यमंत्री के द्वारा जो है अभी वितरण हो रहा है प्रधानाचार्य के नियुक्ति पत्र आज के दिन में, तो आगे की प्रक्रिया में उम्मीद रखिए कि जल्दी उसकी भी डेट आ जाएगी, और एलटी ग्रेड के लोगों को, वेटिंग लिस्ट वालों को भी जो है नियुक्ति पत्र के लिए जो है आयोग डेट कोई निश्चित कर देगा। वैसे आशा है कि इसी महीने भी जो है प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी। अगली खबर जो है, अगली खबर की चर्चा कर लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी से जो पीईटी का जो है एडमिट कार्ड पर कार्य शुरू हो गया, और इस समय आयोग में सदस्यों की संख्या और सदस्यों के कार्यों को लेकर के जो है सिर्फ एक ही काम है, वो है पीईटी के परीक्षा को सुचारू ढंग से संपन्न कराना है, और इसको लेकर के आयोग लगा हुआ है। इसीलिए कुछ परिणामों में और कुछ विज्ञप्तियों में देरी हो रही है। जब तक पीईटी का एग्जाम होने जाता तब तक कुछ कार्य प्रणाली यूपी ट्रिपल एससी की धीमी रहेगी, इसलिए आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। जिसमें एएसओ के रिजल्ट को लेकर के बताते तो उस रिजल्ट के लेकर के शंका जो आप लोगों के मन में है वो शंका का दूर इसी महीने हो जाएगा, और वो रिजल्ट इस महीने किसी भी दिन जो है जारी हो जाएगा। एग्जिट डेट बताना इसलिए अब थोड़ा सा है क्योंकि अभी फिलहाल जो सारी प्रक्रियाएं हैं जो वो पीटी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने को लेकर के, हाँ ये है कि पूरी आशा है कि इसी महीने में जो है उस विज्ञापन का परिणाम यानी कि एएसओ का जारी कर सकता है यूपी ट्रिपल एससी, और एडमिट कार्ड पर काम जो है शुरू होगा। जो आप लोगों की क्वेरीज थे, कुछ जो भर्तियों को लेकर के नोटिस जो है अगले हफ्ते जो है जारी हो जाएगी, और जिस तरह से 2 से 3 नोटिस देखने को अभी यूपी ट्रिपल एससी से मिले उसी के संदर्भ में कुछ और नोटिसें जो है जल्द ही यूपी ट्रिपल एससी से जारी होंगी, और वो नोटिस जो हो सकती है वो भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो है और पाठ्यक्रमों को लेकर के, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह के जो है उसके बारे में जो है नोटिस जल्द ही देखने को मिल सकती है अगले वीक तक।
ये खबर जो आप देख रहे हैं, एपीएस और स्टाफ नर्स भर्ती में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद और अपर निजी सचिव भर्ती 2023 में आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई और इसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, इसके बाद तिथि में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में 300 स्टाफ नर्स की भर्ती संबंधी विज्ञापन पर अंतरिम रोक जो है वो लगा दी गई है। वहीं आयुष विभाग में स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 300 पदों के लिए 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए आयुर्वेद या यूनानी में नर्सिंग डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक आवेदन की वेबसाइट में कुछ तकनीकी व्यवधान था, इसलिए कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। इसी के लिए जो अंतिम तिथि बढ़ाकर जो वो कर दी गई है 18 अक्टूबर। वहीं पीईटी का एग्जाम जो होगा वो 28-29 को होगा और कोई परीक्षा उस समय नहीं होगी। बात कर लेते हैं साथ ही साथ में कि एपीएस की परीक्षा कब तक हो सकती है, तो जनवरी के 10 तारीख के पहले परीक्षा का आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराना चाहता है। इसलिए एपीएस के फॉर्म जो भी अप्लाई किए हैं वो तैयारी में जुट जाएं, किसी भी प्रकार के शंका मत रखें मन में कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। 101% पूरी संभावना है कि जनवरी के 10 तारीख के पहले परीक्षा की कोई भी डेट जो है आयोग निश्चित कर सकता है। वही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथियां उसके बारे में बता देते, ये फरवरी के फर्स्ट वीक के पहले जो है इस परीक्षा का आयोजन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है करा सकता है। पे भी मंथन चल रहा है, तो अभी तक की स्थिति यही समझिए कि परीक्षा का आयोजन जो है आरओ का फरवरी के फर्स्ट वीक में होगा। बाकी भी कोई अपडेट होती तो वो भी आपको चैनल पे बता दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें और निश्चिंत करके जो है पढ़ाई करते रहें। एक खबर और, नया आयोग के गठन की प्रक्रिया के बीच प्रबंधकों को दे दी गई भर्ती की अनुमति जो है 6 अल्पसंख्यक महाविद्यालयों 75 पदों पर हो रही है भर्ती। अब इसको लेकर के जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये भी नवंबर में ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और अगली परीक्षा का आयोजन यानी कि टीजीटी का वो भी जो है फरवरी में जो है कराने की संभावना है। अभी फिलहाल की स्थिति यही है। तो ये पूरा यहाँ पे दिया गया समाचार पत्रों में कैसे कैसे कब क्या हुआ है। अब यहाँ प्रबंधकों को जो है कुछ पदों पर भर्ती के लिए जो अनुमति जो है दे दी गई है, तो इसका भी इंतजार जल्द ही खत्म होगा। कुल मिला के चुनाव के पहले जो है सरकार को ताबड़तोड़ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव में जो है डिसीजन सरकार नहीं लेगी तो कुछ ना कुछ जो प्रतियोगी छात्र जो है अपने मतों का प्रयोग भी उसी आधार पर कर सकते हैं। इसलिए सरकार को विशेष तौर पर इस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। महज पेपर में कुछ चीज़ें निकाल देने से या कुछ पत्र बांट देने से ऐसा नहीं होता है कि वो समस्याएं समाधान हो गई हैं, समस्याओं की जड़ तक जाना चाहिए। क्योंकि कुछ अपडेटें ऐसी कुछ जानकारी होती है कि जो शासन स्तर पर नहीं पहुँच पाती हैं, जिसमें निर्णय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, इसलिए जानकारी का अभाव होता है। फिर भी यही एक सरकार की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो है सारी प्रक्रियाएं तेजी के साथ की जाए रोजगार के क्षेत्र में। बाकी की जो भी अपडेट होगी वो आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में जो आप लोगों की कोरी तो उसको बता दें, आरओ की विज्ञप्ति जल्दी जारी हुई, क्योंकि जो भी प्रक्रियाएं थी वो अब समाप्त हो गई हैं, तो इसलिए विज्ञापन भी देखने को इसी माह के लास्ट में देखने को मिल सकता है। अभी की भी अपडेट है। बाकी अगर उसमें कोई बदलाव होता या बहुत कल ही जारी होता परसों जारी होता तो उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी चैनल पर।